नवरात्रियां साल में चार आती है, आपको दो का पता है, दो का पता नहीं है, दो गुप्त नवरात्रियां हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथियां वो माघ मास की गुप्त नवरात्रियां, दूसरी चैत्र मास की रामनवमी के पहले वाली आप जानते हैं, तीसरी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम नौ तिथियां वो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रियां हैं, और चौथी दशहरे के पहले वाली। तो इन चार नवरात्रियों में देवी का मंत्र देवी भागवत में बताया है, मैं आप बताता हूँ। देवी भागवत के तीसरे स्कंद में व्यास भगवान ने बताया है, बापू जी ने कृपा करके वो मंत्र ऋषि प्रसाद में भी छपवाया था, पर सबने वो अंक पढ़ा हो न पढ़ा हो या याद न हो तो मेरी याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नौ तिथियां आएगी अब थोड़े समय में, उसका लाभ उठाना, फिर दशहरे के पहले वाली नवरात्रियां वो भी लाभ उठाना। देवी भागवत में व्यास भगवान ने नवरात्रियों में जप करने का मंत्र बताया है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं ए ऊपर बिंदी, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै वासी आधान य डबल ए वासिन्यै स्वा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा, बस इतना सा। ये नवरात्रियों में करना होता है, बाकी के दिनों में नहीं। व्यास भगवान ने कहा है कि इससे श्रेष्ठ अर्थ की प्राप्ति होती है। बहनें ध्यान देना, जिन बहनों माताओं को जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आते रहते हो, ऐसी कोई बहनें माताएं इधर बैठी हो या आपके परिचित हो कोई बहनें उनको बहुत कष्ट आते हो, तो उनको बताना और आप यहां सुन लेना कि भविष्योत्तर पुराण है, उसमें ये बात आती है कि नवरात्रि स्थापना के दिन अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अशोक वृक्ष का निम्न मंत्र से पूजन करें। मैं मंत्र बताता हूं, सीता जी ने भी लंका की अशोक वाटिका में इस मंत्र से अशोक वृक्ष का पूजन किया था। तो नवरात्रि को प्रथम दिन, नवरात्रि स्थापना के दिन ये आपको बोलना है, बहुत सरल है, एक ही पंक्ति है, एक ही लाइन, अशोक शोक शमनो अशोक शोक शमनो अशोक शोक शमनो अशोक शोक शमनो भव सर्वत्र न कुले भव सर्वत्र न कुले भव सर्वत्र न कुले भव सर्वत्र न कुले। बस अशोक वृक्ष का पूजन, उसमें जल आदि डाल देना, दिया दिखा देना, बस प्रथम नवरात्रि, नवरात्रि स्थापना के दिन ये करने से जिन बहनों को जिन महिलाओं को कष्ट ज्यादा आते हैं उनको छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। नवरात्रियों में प्रथम दिन को ये लाभ उठाना। नवरात्रियों में ओम ह्रीम गौर्यै नमः का मंत्र ज्यादा कर सकते हैं, सारस्वती मंत्र जिन्होंने लिया हुआ है वो उसका जप नौरतों में ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा लाभ होगा। और ज्यादा कुछ याद न रहे तो श्रीम 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 नवरात्रियों में मन में चलता रहे तो भी यह शुभ माना जाता है। श्रीम श्रीम लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, श्रीम 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 श्रीम।
व्यक्ति अगर चाहे तो सदा के लिए सब दुखों से भक्ति के द्वारा छूट सकता है, परंतु चिंता की गठरियां जो आदत पड़ गई है वो छूटती नहीं है।